हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज साक्षी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा को जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत हमारी मेन कैरेक्टर ली लैंड के सपने से होती है। वो एक काफी डरावना सपना देखती है और सपने से जाग जाती है। तभी उसके कमरे में अम्मा उसको जगाने आती है और उसको नाश्ता करने के लिए बोलती है। अब ब्रेकफास्ट की टेबल पे ली लैंड के पिता भी बैठे होते हैं जो कि काफी टेंशन में होते हैं। तभी आकर उन्हें मंदिर चलने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहते हैं कि आज वो हिसाब किताब में बहुत बिजी हैं, इसलिए वो उनके साथ मंदिर नहीं चल सकते, उन्हें अकेले ही जाना होगा। उसके बाद जाते वक्त लीलैंड की नजर एक वेडिंग केक पर पड़ती है, तो अम्मा उसे भी शादी करने के लिए कहती हैं, लेकिन लीलैंड कहती है कि अभी वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। अब आगे के सीन में लीलैंड अपनी मॉम को श्रद्धांजलि देती है और उनके लिए अगरबत्ती जलाती है। अब यहाँ पे कुछ बातें करने के बाद वो लोग यहाँ जाने लगते हैं, तो लीलैंड आगे तियान की तरफ देखती है। तो अम्मा कहती है कि क्या तुम अपने दोस्त तियान के लिए भी ये करना चाहती हो। तियान अभी बहुत यंग था, उसे इतनी जल्दी सबको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो लीलैंड कहती है कि वो मेरा इतना करीबी नहीं था, तो मैं उसके लिए अगरबत्ती नहीं जलाऊंगी। उसके बाद घर पर आकर लीलैंड के फादर बहुत ही ज्यादा बिजनेस की टेंशन में होते हैं। तभी उसे वहाँ बहुत अच्छी खाने की खुशबू आती है और वो किचन की तरफ जाकर देखती है। फॉन्ग किचन में खाना बना रहा था और वो खाना बनाने के साथ साथ किसी से बात भी कर रहा था, जैसे उसके पास कोई घोस्ट हो। और लीलैंड के पूछने पर वो कहता है कि उसे बस अपने आप से बातें करने की आदत है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। अब लीलैंड के फादर के पास एक लेटर आता है, वो उसे पढ़कर देखते हैं तो लिम फैमिली ने उन्हें काफी टाइम बाद इनवाइट किया होता है, जिसके लिए उसके पापा काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सालों से तो वो कॉन्टेक्ट में थे ही नहीं, तो आज कैसे अचानक उन्हें उनकी याद आ गई। तो वॉन्ग कहता है कि एक महीने पहले ही उनके बेटे तियांग की मौत हुई थी और वो लोग इतनी जल्दी पार्टी भी कर रहे हैं। अब उसके बाद अम्मा और लीलैंड शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। अब आगे की सीन में सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं जो कि काफी शानदार होती है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर तियांग की सौतेली बहन को देखते हैं जो कि काफी बदली हुई नजर आ रही थी। अम्मा बताती हैं कि कुछ टाइम पहले उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी और अब उसके इकलौते भाई की भी मौत हो गई। अब तभी वहाँ पे मैडम लिम आती हैं और उन लोगों का अच्छे से स्वागत करती हैं। अब कुछ देर बाद बातों ही बातों में लीलैंड के पिता मैडम लिम से पूछ लेते हैं कि आखिर उन्होंने इतने टाइम बाद उन्हें पार्टी में क्यों बुलाया है, जिस पर वो कहती हैं कि वो बहुत पुराने दोस्त हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने उन्हें यहाँ पर अपनी फैमिली होने के नाते इनवाइट किया है। इसके बाद लीलैंड पार्टी में घूम रही होती है, तभी उससे विस्परिंग सुनाई देती है जिसमें उसे कोई बुला रहा होता है। वो उस आवाज का पीछा करते करते ऊपर की तरफ तियान के कमरे में चली जाती है। वो वहाँ तियान की तस्वीर देखती है और उसे श्रद्धांजलि भी देती है। तभी कुछ नौकर तियान के कमरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो नौकरों को देखकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात लैंग से होती है। वो उसे देखकर चिल्लाने ही वाली होती है, पर लैंग उसका मुंह बंद कर देता है। दोनों नौकर वहाँ तियांग को भोग लगाते हैं, तो उसमें से एक नौकर कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गया, वो हमेशा हम पर अत्याचार ही तो किया करता था। उसके बाद वो दोनों नौकर तियांग को बुरा भला बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बेड से बाहर निकल कर आते हैं। तब दोनों ही एक दूसरे से सवाल करते हैं कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लीलैंड तो कहती है कि वो यहाँ पर गेस्ट है, तो लैंग कहता है कि मैं यहाँ का एक नौकर हूँ। लैंग कहता है कि मैं बेड के नीचे सोने के लिए छुपा था, मैं यहाँ पर काम करता हूँ और मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ सोने के लिए मिलता है। लीलैंड कहती है कि मैं इस रूम में अचानक ही आ गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे देखे, इसलिए मैं बेड के नीचे छुप गई थी। उसके बाद बाई की एंट्री होती है, वो लीलैंड से मिलने आता है। लीलैंड उसे देखकर काफी खुश होती है और वो उससे पूछती है कि तुम हांगकांग से वापस कब आए, वो एक महीने पहले ही यहाँ पर आ चुका था। तो लीलैंड कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एक्चुअली बाई और लीलैंड बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और लीलैंड ये जानकर काफी खुश होती है कि वो अब यहीं पर रहेगा। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और बाई उसके साथ चला जाता है और जाने से पहले लीलैंड से कहता है कि वो उससे जरूर मिलेगा। लीलैंड ये सुनकर खुश होती है और उसे ही घूरती रहती है। अब दूसरी तरफ लीलैंड के पिता और मैडम लिम एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर वो लीलैंड का रिश्ता अपने घर पे करवाने के लिए उसके फादर से बोलती हैं। वो ये सुन के खुश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो बाई की शादी लीलैंड से करवाना चाहते हैं। तो लिम बताती है कि नहीं, वो बाई से नहीं बल्कि वो तो तियांग से उसका रिश्ता करवाना चाहती है। और ये सुनकर अम्मा और लीलैंड के पिता दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी बेटी की शादी एक भूत के साथ करवाना चाहती हैं। तो लिम कहती हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं तो मैं आपका बिजनेस फिर से खड़ा करवा दूंगी। तो लीलैंड के पिता कहते हैं कि चाहे वो बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी एक घोस्ट से तो नहीं करवाने वाले। उसके बाद वो तीनों उस पार्टी से चले जाते हैं और घर जाकर लीलैंड के पिता
होगा उसे सब कुछ बता देते हैं। तो लीलैंड कहती है कि अगर मैं उस भूत से शादी कर लेती हूँ तो क्या आपका बिजनेस सच में ठीक हो जाएगा। तो उसके पिता कहते हैं कि वो उसे बचपन से जानते हैं, जब वो छोटी थी तो सबके साथ खेला करती थी, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसने घर के बाहर जाना ही बंद कर दिया, लोगों के साथ खेलना ही बंद कर दिया ताकि मैं अकेला महसूस ना कर सकूं। लेकिन मेरे लिए मेरी बच्ची खुद को बर्बाद करना बंद करो और अपनी जिंदगी को खोल कर जियो, और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। उसके बाद लीलैंड के पिता 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं ताकि वो इस सिचुएशन की कोई सलूशन निकाल सके। उसके बाद जब लीलैंड सो रही होती है तो उसे सपने में अपनी माँ के साथ बिताए पल याद आते हैं। तभी उसे तिहान का भी एक बहुत डरावना सपना आता है और वो अचानक से उस सपने को देखकर उठ जाती है। उसके बाद लीलैंड से मिलने यूफई आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भाई से मिली, और वो कहती है कि अब तुम उससे अपने दिल की बात कह सकती हो और तुम दोनों अब एक भी हो सकते हो। तो लीलैंड कहती है कि वो उससे काफी सारी बातें करना तो चाहती है लेकिन वो अभी उससे अच्छे से बात नहीं कर पाई है कि तभी वहाँ पे उसके गेट पर कोई आ जाता है। लीलैंड दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर भाई होता है। वो लीलैंड को कुछ मसाले देता है और कहता है कि वो उसके पापा के लिए ये हांगकांग से लाया है, वो उसे टेस्ट करके बताए कि ये कैसे हैं। तो लीलैंड बताती है कि वो अभी घर पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो भाई उसे बाहर चलने के लिए पूछता है, तभी उधर से व्यूफाई आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो और तुम दोनों जाकर साथ एंजॉय करो। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी भाई उसे एक कंपास गिफ्ट करता है। लीलैंड उसे लेने के लिए मना कर देती है कि ये बहुत महंगा है, लेकिन भाई कहता है कि वो उसे बहुत ही प्यार से दे रहा है इसलिए वो उसे लेने से मना ना करे। भाई लीलैंड से अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तभी लीलैंड बताती है कि उसके लिए कोई रिश्ता आया है। तो भाई लीलैंड से पूछता है कि क्या तुम्हें वो रिश्ता पसंद है। लीलैंड कहती है कि ये सब तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद भाई लीलैंड को घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लीलैंड को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत काफी खराब हो गई है। वो डॉक्टर से जाकर पूछती है कि उसके पिता को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पापा की हालत काफी खराब है और वो उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो उसे मेडिसिन दे के जाते हैं और कहते हैं कि अगर उनकी तबीयत फिर से खराब होती है तो वो उनको बुला ले। लीलैंड को परेशान देखकर अम्मा उसको समझाती है। उसके बाद लीलैंड पूरी रात अपने पापा की देखभाल करती है और वो वहीं पर सो जाती है। तभी उसे फिर से तियान का सपना आता है और वो सपने में लीलैंड को उससे शादी करने के लिए कहता है। लीलैंड उसका भयानक रूप देखकर बुरी तरह से डर जाती है, वो चिल्लाकर उठती है और तभी वहाँ पर अम्मा आ जाती है। वो अम्मा को सब कुछ बताती है कि वो काफी दिनों से तियान के सपने देख रही है। ये सारी बातें सुनकर तो अम्मा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। काफी सारी बातें सुनने के बाद और सोचने समझने के बाद वो लीलैंड को एक जादू टोने वाले के पास लेकर जाती है और वो लीलैंड को एक ताबीज देता है और कहता है कि इस ताबीज को अपने पास रखने से तुम्हें कोई भी भूतों के सपने नहीं आएंगे। उसके बाद वोंग लीलैंड के कमरे के बाहर उस ताबीज को टांग देता है। अब आगे लीलैंड आराम से जाकर सो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसे तियान के सपने आते हैं। उसके बाद लीलैंड तियान को अपने सामने देखकर डर जाती है। तियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये जादू टोने वाला ताबीज मुझ पर असर करेगा, जिसने भी तुम्हें ये दिया है उसने तुम्हें ठगा है। वो उस ताबीज को जला देता है, जिसे देखकर लीलैंड काफी डर जाती है। तियान उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तियान कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा की आत्मा को नर्क लोक में भटकते हुए देखा है, अगर उनकी आत्मा जल्दी उनके शरीर में वापस नहीं आई तो वो मर जाएंगे और उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या अपने पिता को मरते हुए देखना है। लीलैंड उससे हेल्प करने के लिए कहती है, मगर तियान कहता है कि जब मैं ऐसे तड़प रहा था तो क्या किसी ने मेरी हेल्प की थी। तियान कहता है कि मेरा मर्डर हुआ है। लीलैंड ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तियान कहता है कि मेरी मौत किसी भी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी बल्कि मुझे जहर दिया गया था। लीलैंड कहती है कि अगर मैं तुम्हारे अपराधी को ढूंढने में मदद करूंगी तो क्या तुम मेरे पापा की आत्मा वापस से उनके शरीर में डालने में मदद करोगे। काफी समझाने के बाद तियान मान तो जाता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है और इन 10 दिनों में ही तुम्हें उस कातिल को ढूंढना होगा, और इन 10 दिनों के बाद तुम्हारे पापा की आत्मा हमेशा के लिए नर्क लोक में कैद हो जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए लीलैंड मान जाती है और कहती है कि बताओ मुझे उस दिन क्या हुआ था। तियान यहाँ पर अपनी स्टोरी बताता है कि उस दिन वो रात में खाना खाने के लिए बैठा था, उसका मनपसंद खाना भी बना हुआ था और डिनर करने के बाद वहाँ के सर्वेंट्स ने उसे एक स्पेशल चाय भी दी थी और उस चाय को पीने के बाद उसे काफी तेज बुखार हो गया। तो लीलैंड कहती है तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किससे होगा। तो तियान कहता है कि उसके मरने के बाद सिर्फ एक ही इंसान है जो लिम परिवार का वारिस बनेगा और काफी टाइम पहले से ही उसकी नजर उसके पैसों पर है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका कजन बाई है। तो बाई का नाम सुनते ही लीलैंड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद लीलैंड की नींद खुल जाती है और वो कैलेंडर में मार्क करती है कि उसे 10 दिन में ही उसके
कातिल को ढूंढना है। अब आगे अम्मा को वो सारी बातें बताती है। अम्मा ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अम्मा ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब बातें जानने के बाद उन्हें मजबूरन लीलैंड की बात माननी पड़ती है। अम्मा वोंग से कहती है, क्या इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? वोंग कहता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। लीलैंड अपने पापा का ख्याल रख रही होती है, तभी वहाँ पर भाई आता है और वो उसके पापा का चेकअप भी करता है। वो यहाँ पर उसे कंसोल भी करता है। तभी बातों ही बातों में वो तिहान की मौत के बारे में पता लगाने लगती है। वो उससे कहती है कि तिहान की मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई? वो तो अभी बहुत ही यंग था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी ने उसे जहर देकर मारा है? ये सुनकर तो भाई शॉक्ड ही हो जाता है। वो कहती है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी, क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है? भाई कहता है कि तुम अफवाहों पर कब से भरोसा करने लगी? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उस दिन हम सब ने साथ में ही डिनर किया था, अगर खाने में कुछ होता तो हम सब भी मारे जाते। लीलैंड कहती है कि मैंने तो सुना था कि तिहान ने उस दिन चाय पी थी और वो चाय किसी और ने नहीं पी थी। भाई कहता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सबका जीना और मरना भगवान के हाथों में है, इंसानों के नहीं। तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो। तो लीलैंड कहती है कि पहले तिहान का मरना और फिर मेरे पापा की ऐसी हालत, मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। भाई कहता है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, तुम कुछ ज्यादा ही फालतू सोच रही हो। लीलैंड कहती है कि वैसे मुझे तुमसे एक काम था, क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकती हूँ? उसके बाद वो उसको अपने साथ घर ले जाता है। दूसरी तरफ यान अपनी सौतेली माँ लिम के लिए खाना लेकर जाती है, तो लिम खाने से मना कर देती है और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। वो जा ही रही होती है, तभी सामने से भाई और लीलैंड भी वहाँ आ जाते हैं। अब भाई अपनी माँ को खाना खिलाने चला जाता है और यान लीलैंड के साथ वहीं पर रहती है। इसके बाद यान वहाँ से चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर लीलैंड किचन में जाती है, जहाँ पर वो तियान की फेवरेट चाय पत्ती को देखती है। वो वहाँ पर अनाज रख के रूम में पहुँच जाती है और सारे सामान को चेक करती है। तभी वहाँ लैंग आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपना झुमका ढूंढने आई है और उसने इस घर के मालिक से परमिशन भी ले ली है। तो लैंग उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा झुमका इन जार में मिला, इन रसोई घर के डिब्बों में मिला? अगर नहीं मिला तो देख लो और चावल आटे में खोजना मत भूलना। और यहाँ पर लैंग लीलैंड को परेशान करने लगता है। उसके बाद वहाँ लीलैंड की नज़र एक टिकट पे पड़ती है, तभी वहाँ पर भाई आ जाता है। भाई कहता है कि तियान के मरने के बाद ना ही माँ कुछ खाती है ना पीती है। उसके बाद वो उससे कहता है कि क्या वैसे तुमने ये शो देख लिया है? लीलैंड कहती है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर है। वो उससे पूछती है तो भाई कहता है कि हाँ, ये शो मैंने देखा है, काफी अच्छा था। लीलैंड कहती है कि जिस दिन तियान की मौत हुई थी तुम शो देखने गए थे, इसका मतलब तुमने उसके साथ खाना नहीं खाया था। वो कहता है कि नहीं, मैंने तियान के साथ खाना नहीं खाया था। दूसरी तरफ अम्मा एक ओझा के पास जाती है और उसे पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि मुझे तिहान के भूत पर कब्जा करना है। ओझा उसे समझाती भी है कि अगर उस भूत को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे साथ बुरा भी कर सकता है। तो अम्मा उसे यहाँ पे धमकाती है, तो वो ओझा इस चीज के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ तिहान अपनी उस दुनिया में काफी मजे से खाना खा रहा होता है, तभी उसके हाथ से वाइन का गिलास टूट जाता है। ओझा तिहान के भूत पर जादू टोना करती है और उसे खूब मारती है और इसका सीधा असर तिहान के भूत पर होता है। और अब इन सब चीजों की वजह से तिहान को काफी गुस्सा आ जाता है। और दूसरी तरफ यान तिहान के रूम पर कब्जा कर लेती है और उसका सारा सामान नौकरों से बाहर निकलवा देती है। वो नौकर तिहान का सामान जला ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लैंग आ जाता है और उस नौकरानी से फ्लर्ट करने लगता है। इसी बीच वो तिहान की सारी इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाने लगता है। दूसरी तरफ लीलैंड उस चाय पत्ती को हर जगह ढूंढ रही होती है। तो आंटी यू लीलैंड से कहती है कि क्या तुम्हें पता चला कि तिहान को किसने मारा है? लीलैंड कहती है कि अभी तक तो उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। उसके बाद भाई वहाँ पर आता है और जबरदस्ती लीलैंड को अपने साथ नाश्ता करवाने के लिए ले जाता है। लैंग वहाँ पर चाय लेकर आता है और लीलैंड को टीज करते हुए चाय को नीचे गिरा देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और लीलैंड जानबूझ के अपने कपड़े पर चाय गिरा के बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब लैंग तिहान के रूम से एक बुक चोरी करके वहाँ से जा रहा होता है और ऐसा करते हुए लीलैंड उसे देख लेती है। तो वो उससे सवाल जवाब करने लग जाती है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है और ये सब चोरी वो क्यों कर रहा है। तो यैंग कहता है कि वो उस बुक को जलाने जा रहा है। लीलैंड कहती है कि अगर तुम उस बुक को जलाने ही जा रहे हो तो मुझे दिखाओ कि वो कौन सी बुक है, वरना वो भाई को जाकर सब कुछ बता देगी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ कि मैं स्वर्ग का रक्षक हूँ। लीलैंड यहाँ पर उसका मजाक बनाती है और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लीलैंड उसे जादू करने के लिए कहती है और वो उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है, तो मजबूर होकर उसे जादू करके उसे दिखाना ही पड़ता है। तो उसे जादू को देखकर विश्वास हो जाता है कि लैंग सचमुच में स्वर्ग का रक्षक है। लैंग बताता है कि तिहान यमलोक से भाग गया है और उसने यमलोक के गार्ड को रिश्वत दी और उन लोगों ने उसके भागने में उसकी मदद की और अब वो खुलेआम यहाँ पर अपनी मर्जी कर रहा है। मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा और इसके बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। तो उसके बाद लीलैंड
उससे कहती है कि अगर तुम स्वर्ग के रक्षक हो तो प्लीज मेरे पापा की हेल्प करो। वो उसकी मदद करने से मना कर देता है तो ली लैन गुस्से में कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तियान मेरी मदद करेगा, वो मेरे पापा की आत्मा को वापस से उनके शरीर में डालेगा। और ली लैन उसे वहाँ बहुत सुनाकर चली जाती है। उसके बाद ली लैन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे वही चाय पत्ती का जार दिखता है। वो अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर भाई आ जाता है। उसके बाद ली लैन वहाँ से बहाना बनाकर घर जाने लगती है, जिसपे वो कहती है कि वो आंटी यू के साथ चली जाएगी। और बाहर जाकर वो आंटी यू से कहती है कि वो वापस से इस घर में छानबीन के लिए आना चाहती है। उसके बाद काफी मनाने पर वो मान जाती है और ली लैन को नौकर के कपड़े पहना कर उस घर में एंट्री करवाती है। उसके बाद ली लैन को लैंग मिल जाता है जो कि उससे वहाँ का सारा कचरा साफ करने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ के सारे नौकर मेरी बात मानते हैं तो तुम्हें भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो मजबूरी में वो लैंग का कहा मानती है और साफ सफाई करना शुरू कर देती है। अब लैंग वहाँ अपने जादू से फिर से बहुत सारा कचरा जमा कर देता है तो ली लैन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वह कहती है कि क्या स्वर्ग के रक्षक इतने ही बचकाने होते हैं। लैंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पर मैं यहाँ पे काम कर करके ऊब गया हूँ। और तभी वहाँ पे एक और नौकर आ जाता है और उन दोनों को डांटने लगता है। लैंग कहता है कि मैं तो काम ही कर रहा था लेकिन ये लड़की मुझे यहाँ पर परेशान कर रही है। वो सारा इल्जाम ली लैन पर ही थोप देता है, तुम जाकर चूल्हा जलाओ। तो मजबूरन उसे जाकर चूल्हा जलाना पड़ता है। उसके बाद सभी नौकर मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो ली लैन नमक का बहाना बना के वहाँ से निकल जाती है। वो तलाशी करने जाती है और उसकी नजर उसी बुक पर पड़ती है जिस बुक के अंदर उसने भाई को वो लेटर दिया था। वो उस लेटर को निकाल कर उसे पढ़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लैंग की एंट्री होती है और वो उसके हाथ से छीन कर उस लेटर को पढ़ने लगता है। ली लैन उससे छीनने की बहुत कोशिश करती है उस लेटर को लेकिन वो उससे नहीं छीन पाती। तो उसी टाइम वहाँ पर मैडम लिम भी आ जाती है और वो ली लैन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसने नौकरों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। तभी वहाँ पर भाई आ जाते हैं और कहता है कि उसके कपड़ों पर चाय गिर गई थी। ली लैंग लिम को बता देती है कि लैंग ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया और नौकरों वाले काम भी करवाए। तो मैडम लिम को लैंग के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उसे काम से निकाल देती है। उसके बाद मैडम लिम ली लैंग से बातें करने जाती है और उसे फोर्स करती है तिहान से शादी करने के लिए। वो उसको डराने धमकाने लगती है कि पहले ही तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, अगर तुम्हारे पापा भी चले गए तो तुम अनाथ बन जाओगी। दूसरी तरफ ली लैंग घर जा रही होती है तभी उससे रास्ते में लैंग दिख जाता है जो लड़कियों के साथ होता है और वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जा सकती। लैंग कहता है कि मैं तुम्हारा लेटर पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में मैंने उसे पढ़ लिया और एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा। उसके बाद मैडम लिम को पता चल जाता है कि यान तिहान की कमरे की सफाई कर रही है और उसका सारा सामान वहाँ से निकाल रही है। लिम यान के पास जाकर उसको डांटती है कि आखिर उसने किसके कहने पर उसका सारा सामान बाहर निकलवाया। यान कहती है कि उन्हें घर को फिर से रेनोवेट करवाना चाहिए ताकि यह घर फिर से अच्छा लग सके। वो यान पर चिल्ला देती है कि ये घर मेरा है, आइंदा से उसे इस घर के सामान या फिर तिहान के सामान को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है और ये कहकर लिम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लैंग नशे की हालत में पछता रहा होता है कि उसने ली लैंग को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। आगे ली लैंग को फिर से तिहान का सपना आता है और तिहान सपने में एक कंपास के साथ खेल रहा होता है। तभी ली लैंग की आँख खुल जाती है और अम्मा आकर उसे ये बताती है कि भाई उससे मिलने आया है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और भाई उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, हम दोनों दोस्त हैं, तुम मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो। तो ली लैंग भाई को सारी बातें बता देती है और वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। भाई उससे कहता है कि मैं तिहान को कैसे मार सकता हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो ली लैंग कहती है कि मैंने तुम्हारे रूम में उस चाय पत्ती का जार देखा था। भाई कहता है कि मैंने वो चेक करने के लिए ही मंगवाया था, मेरा भरोसा करो, मैंने तिहान को नहीं मारा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। ये सारी बातें सुनकर ली लैंग काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वोंग अम्मा को चाय देता है तो वोंग अम्मा का हाथ देखता है और उसे पूछता है कि आपके हाथ पर क्या हुआ है। अब वोंग को कुछ अजीब लगता है लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। आगे अम्मा उस निशान को देख ही रही होती है कि तभी अचानक से कप में चाय उबलने लगती है और वो कप टूट जाता है। असल में यहाँ पे तियान अम्मा से बदला ले रहा होता है। उसके बाद पाई ली लैंग को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उसे वो कुछ बताने ही वाला होता है तो तभी वहाँ पर इसाबेल की एंट्री होती है। तभी पाई उसे बताता है कि इसाबेल उसकी मंगेतर है और ये बात सुनकर तो ली लैंग एकदम शॉक्ड हो जाती है और लैंग भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मैंने तो समझाया ही था कि ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मैडम लिम तिहान के सारे सामान को जला रही होती है और यान जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेलती है और यहाँ पर इन सारे लोगों को देखकर लगता है कि कोई ना कोई तो तियान का कातिल जरूर है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है तियान का कातिल कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब उसके बाद ली लैंग सो रही होती है तो उसे अपने पापा का एक डरावना सपना आता है और ये सपना देखकर वो रोने लग जाती है क्योंकि वो कैलेंडर की तरफ देखती है तो
उसके पास बहुत कम टाइम बचा होता है। उसके बाद अमा और लीलैंड की मुलाकात बाई और ईसाबेल से होती है। अमा ईसाबेल को अपने साथ पूजा करवाने के लिए ले जाती है क्योंकि उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता था। अब बाई लीलैंड से कहता है कि वो ये शादी अपने परिवार के लिए कर रहा है। लीलैंड यहाँ पर उससे तिहान के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, उसे पता चला है कि उसका कुछ टाइम पहले एक नौकरानी के साथ अफेयर था और उसने उसे काम से भी निकाल दिया था। एंड नेक्स्ट सीन में हम लैंग को लीलैंड के घर के बाहर एक डॉग के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करता है क्योंकि लैंग को तो माफी मांगना आता ही नहीं। तभी सामने से अमा और लीलैंड आ जाते हैं। लीलैंड बताती है अमा को कि ये वही स्वर्ग का रक्षक है जिसने उसकी मदद करने से मना कर दिया है। तो अमा उसको खूब बुरा भला बोलती है, लेकिन लैंग अपने चार्म से उसे भी इम्प्रेस कर लेता है। ये सब कुछ देख कर लीलैंड लैंग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लैंग उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। तो लीलैंड को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद लैंग फिर से उस सर्वेंट सिम के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करता है। तो वो उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा था तो उन्हें गलतफहमी हो गई और उन्होंने मुझे निकाल दिया। उसके बाद वो उसको मैनिपुलेट करके उससे तिहान के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि तिहान का उस एक सर्वेंट के साथ अफेयर था, लेकिन उसने उसे बाद में काम से निकाल दिया था और वो उसे उस लड़की का एड्रेस बता देती है। तो वहीं सामने से एक नौकर सिम को ऐसा करते हुए देख लेता है और लैंग तभी वहां से गायब हो चुका था। तो उस नौकर को कोई गलतफहमी हो जाती है और वो जाकर उसकी कंप्लेन कर देता है कि वो कुछ चोरी कर रही थी और इसलिए उसे भी काम से निकाल दिया जाता है। उसके बाद लीलैंड मिस यू से सिम का पता पूछकर उसके पास जाती है क्योंकि उसे तो काम से निकाल दिया गया था। वो उसके पास जाकर देखती है तो उसकी हालत काफी खराब होती है और वो कहती है कि उसकी ऐसी हालत लैंग की वजह से हुई है, उसकी वजह से ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है और इसलिए उसे सड़क पर मछली बेचनी पड़ रही है। तो लीलैंड को भी उसके ऊपर काफी गुस्सा आता ही रहता है। तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर वो तुम्हारे हाथ आए तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, इस चाकू से उसका गला ही काट देना। उसके बाद वो सिम से उस सर्वेंट का पता पूछती है और वो उसे बता भी देती है। उसके बाद लैंग सिम के पास आता है उससे माफी मांगने के लिए। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं ये सब ठीक करना चाहता हूँ और तुम्ही बताओ कि मैं अब क्या करूँ। तो सिम कहती है कि तुम मिस यू को बोलो कि मुझे वो निर्दोष साबित कर दे। दूसरी तरफ लीलैंड अमा को बताती है कि कल वो गाँव जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। उसके बाद अमा उसे एक ताबीज देती है और कहती है कि ये मेरी माँ ने मुझे दिया था मेरी रक्षा के लिए और ये मैं आज तुम्हें दे रही हूँ, ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद लीलैंड और बाई उस गांव में जाते हैं। उसके बाद चलते चलते उनका घोड़ा अचानक से रुक जाता है। बाई उतरकर उससे चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो घोड़ा उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों को वहीं छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद वहां सामने से लैंग साइकिल से आ जाता है और लीलैंड को परेशान देखकर उससे पूछता है। बाई उससे पूछता है कि वो कौन है। वो कहता है कि वो स्वर्ग का रक्षक है, लेकिन यहां तो बाई को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब लीलैंड वहां लैंग को गुस्से में बहुत सुनाती है और उसे वहां से भगा देती है और फिर ना चाहते हुए भी बाई को लीलैंड के साथ जाना ही पड़ता है। अब आगे जाकर लीलैंड किसी से लिफ्ट लेती है और वो बदले में उसे अमा का दिया हुआ लॉकेट दे देती है। अब जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर लैंग पहले से ही मौजूद होता है और जिस लड़की से वो मिलने गए होते हैं वो लैंग पर चिल्ला रही होती है। फिर लैंग कहता है कि मैं इस लड़की से तियान के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर लीलैंड उस लड़की से मिलने जाती है और वो उसे काफी अच्छे से हैंडल करती है। तभी लीलैंड को पता चलता है कि वो लड़की तो प्रेग्नेंट है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो लड़की लीलैंड को बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तियान का है, तो मैं तियान को क्यों ही मारूंगी। और वो उसे हर महीने इस बच्चे का खर्चा भी भेजता था, लेकिन इस महीने उसने नहीं भेजा। लीलैंड के पूछने पर वो लड़की बताती है कि तियान मुझसे बहुत बड़े वादे करता था कि वो मुझसे ही प्यार करता है, लेकिन उसने एक दिन तियान को किसी और लड़की के साथ देखा। उसने उनका पीछा किया लेकिन वो उस लड़की की शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि उसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। और जब अगले दिन उसने तिहान से इस बारे में पूछा तो उसने उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद वो ये सारी बातें भाई को बताती है और उससे पूछती है कि क्या महल में कोई लड़की है जो तियान के साथ जुआ खेलने के लिए अड्डे पर जाती थी। भाई बताता है कि जुआ खेलने तो यान जाती है, लेकिन तिहान उससे बहुत नफरत करता था और उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनी। तो लीलैंड कहती है कि हमें यान से उसके बारे में पूछना चाहिए। अब यहाँ पर लीलैंड और लैंग आपस में बातें करते हैं और फाइनली यहाँ पर लैंग उससे माफी मांग ही लेता है। लीलैंड कहती है कि अगर तुम माफी मांगना ही चाहते हो तो उस लड़की से जाकर मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अमा और वोंग पूरे घर में जादू टोना करते हैं और नमक छिड़कते हैं ताकि तियान की आत्मा उनके आसपास ना आ पाए, लेकिन इस नमक का असर तियान पर बिल्कुल नहीं होता और उल्टा वो उन्हीं दोनों को सबक सिखाता है।
जाता है। वो चाकू से अमा पर वार करता है लेकिन बीच में वोंग आता है और चाकू उसे लग जाता है। अब दूसरी तरफ लैंग मिस यू के पास जाता है और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मैंने ही सिम को कहा था एक लॉकेट को ढूंढने के लिए, इसमें सिम की कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो मिस यू भी लैंग की बात मान लेती है। दूसरी तरफ ली लैंग घर पे आती है और वोंग की ऐसी हालत देख कर हैरान होती है। तो इन सब चीजों के बाद अब अमा उसको सारी बात बता देती है कि तिहान उन लोगों के साथ बदला ले रहा है। उसके बाद भाई घर आता है तो ईसाबेल उससे थोड़ा नाराज होती है क्योंकि उसने उसको जल्दी आने के लिए कहा था और टेलर वेट कर करके उसका चला गया था। और वो भाई से पूछती है कि आखिर ली लैन और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, वो ठीक तो है। लेकिन यहाँ पे भाई उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब उसके बाद ली लैन काफी परेशान होती है क्योंकि उसके पास बस एक दिन बचता है और उसके पापा की हालत बहुत खराब होती है। वो आधी रात को भाई के पास जाती है और भाई कहता है कि उसने अभी तक यान से कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि वो उससे मिले ही नहीं, शायद वो अभी घर पर नहीं है। तो ली लैन कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है। और वो उसे चूहे के अड्डे का पता बता देता है और फिर वो अकेले ही चूहे के अड्डे पर जाती है लेकिन वहाँ पर उसे लैंग मिल जाता है और वो दोनों आपस में ही बाहर झगड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़का ली लैन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर लैंग आकर उसको बचा लेता है और अब यहाँ पर यान ली लैन को देख लेती है और वो अपने आदमी से उसे रोकने के लिए कहती है और वहीं पर लैंग उस बंदे से फाइटिंग करने लगता है और ली लैन यान के पीछे भागती है। ली लैन को यान कहीं पर भी नहीं मिलती, वो बिल्कुल गायब ही हो जाती है और तभी वहाँ पर एक बंदा ली लैन को पीछे से आकर बेहोश कर देता है। अब लैंग वहाँ पर पहुँचता है और उसे ऐसे देख कर हैरान होता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद अब जब ली लैन को होश आता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी हालत में पाती है जहाँ पर कुछ लोग अजीब तरह से पड़े हुए थे और वो बहुत ही डरावने लग रहे होते हैं। और तभी वो वहाँ पर तियांग को देखती है और तियांग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर फंस चुकी हो अपने पापा की तरह ही, तुम्हारी आत्मा यहाँ पर है और तुम्हारा शरीर धरती लोक पर। और तभी वहीं पर ली लैन के पापा आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो रोने लग जाती है। अब तियांग कहता है कि तुम उन्हें झूठा दिलासा मत दो, उनके पास बस अब कुछ ही मिनट बचे हैं और फिर उनकी मौत हो जाएगी। वो तियांग के पैर पकड़ती है और कहती है कि प्लीज मेरे पापा को बचा लो, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो तियांग कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो मैं तुम्हारे पापा की जान बचा लूंगा। उसके बाद वो ऐसा करने के लिए मान जाती है और तियांग उसके पापा की आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है। और यहाँ पर लैंग ली लैंग की बॉडी को घर लेकर आता है। उसके पापा ठीक हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को देखते हैं और लैंग उन्हें ठीक होता देख कर काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद अमा कुछ औरतों के पास जाती है और कहती है कि मुझे सबसे अच्छा जादू करने वाला चाहिए, क्या तुम लोगों को किसी ऐसे इंसान के बारे में पता है। तो वहाँ पर कुछ लोग अमा को कुछ जादू करने वाले का नाम बताते हैं। तो अमा उस जादूगरनी के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है और वो जादूगरनी कहती है कि मैंने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दिया है, अब मेरे पास उतनी शक्तियाँ नहीं है। तो अमा सैड होकर वहाँ से वापस आ जाती है और अब भाई ली लैंग को ऐसी हालत में देख कर काफी दुखी होता है। तो यहाँ पर लैंग उसको ही ब्लेम करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे वहाँ का पता बताया था। तो भाई कहता है कि मैंने उसे समझा कर घर जाने को कहा था, ना कि जुए के अड्डे पर। तो ली लैंग के पापा यहाँ पर उन दोनों को लड़ाई करने से रोक देते हैं। अब उसके पापा कहते हैं कि हमें ली लैंग को ठीक करने का कोई हल ढूंढना होगा और ये पता लगाना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और अब वो जादूगरनी अपना सारा काम खत्म करके घर जा रही होती है और अब तभी उसे रास्ते में अमा मिल जाती है। अब अमा के बहुत कहने पर वो मान तो जाती है ऐसा करने के लिए, लेकिन वो कहती है कि उसके पास अब ज्यादा शक्तियाँ नहीं है तो उसे किसी और आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इन दोनों लोगों का माध्यम बनेगा, जिसकी आत्मा वहाँ जाकर ली लैंग की आत्मा को वापस ला सके। अगर तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिल जाए तो मुझे बता देना। उसके बाद तियान ली लैंग को अपनी दुनिया में लेकर आता है और वो वहाँ पर उन सभी लोगों को देख कर बहुत डर जाती है और वो पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तियान कहता है कि इन लोगों ने धरती पर बहुत पाप किए हैं इसलिए इन लोगों की हालत ऐसी है। उसके बाद ली लैंग उस कुएं के बारे में उससे पूछती है तो तियान कहता है कि उस कुएं में आत्माएं अपनी फैमिली को देख सकती हैं। उसके बाद ली लैंग के पिता और भाई यान के पास जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से भी कुछ पता नहीं लगता। इसके बाद कुछ शैतान सारी आत्माओं को कहीं ले जा रहे होते हैं तो तियान कहता है कि ये सब कोर्ट जा रहे हैं जहाँ पर उनका फैसला होगा कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क। तो ली लैंग कहती है कि तुम भी तो एक आत्मा हो तो ये लोग तुम्हें कोर्ट क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो तियान कहता है कि ये एक सीक्रेट है और तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तियान ली लैंग को अपने महल लेकर जाता है। वो कहता है कि ये महल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम यहाँ पर आराम से रह सको और वो कुछ दासियों को बुलाता है उसके साथ रहने के लिए। तो ली लैंग इतनी सारी भूतनियों को देखकर काफी डर जाती है। बस ये दासियां तुम्हारा ख्याल रखेंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी जिससे मुझे पता चल सके कि तुम कहाँ पर हो और मुझे तुम्हें ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद लैंग एक शॉप पर जाता है और एक कछुए से बात करता है और वो कछुआ कोई और नहीं उसकी सुपर
सुपरवाइजर होती है, वो उससे उसकी हेल्प मांगता है नीदरलैंड जाने के लिए। उसके बाद वो सुपरवाइजर जनरल बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि तुमने 500 साल पहले क्या किया था, एक इंसान की खातिर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली थी। तो तियान कहता है कि मैं इंसान की हेल्प नहीं कर रहा, मैं तियान को पकड़ने जा रहा हूं ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। तो जनरल कहती है कि तुम्हें पता है ना कि नीदरलैंड में तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी और बिना शक्तियों के तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जितने भी भूत तुमने पकड़े हैं वो सारे वही हैं और वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर जैसे तैसे करके लैंग जनरल को मना लेता है और वो हां भी कर देती है। वो जाते जाते उसे एक चाकू देकर जाती है जिसका प्रयोग वो नीदरलैंड में कर सकता है, और वो कोई छोटा सा चाकू नहीं बल्कि एक बड़ी सी तलवार होती है। उसके बाद लीलैंड उस भूतिया घर को देख रही होती है तो उसकी नजर एक कंपास पर पड़ती है और वो उस कंपास के जरिए बाय के सपने में आती है। वो उससे कहती है कि वो तियान से शादी कर रही है अपनी फैमिली की खातिर, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे पापा और अम्मा को कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करें, बस अपना ख्याल रखें। और वो बाई को भी उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी बाई की आँख खुल जाती है। दूसरी तरफ लिम तियान की शादी का सारा सामान आग में चला रही होती है और बाई आकर उनसे कहता है कि आपको सब पता था ना, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। फिर लिम कहती है कि फाइनली लीलैंड को अकल आई और उसने शादी करने के लिए हाँ कर दी। भाई कहता है कि उसने अपनी मर्जी से हाँ नहीं की है बल्कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। भाई कहता है कि आपका बेटा इतना भी अच्छा नहीं था, वो बहुत ही निर्दयी और क्रूर था, उसने हमेशा दूसरों को टॉर्चर किया है और आपने भी कभी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। उसके बाद भाई कहता है कि अगर किसी को इस फैमिली की चिंता नहीं है तो मैं भी इसकी फिक्र क्यों करूं, ये शादी भी फिजूल है। वो भी शादी करने से इनकार करता है और सारा सामान गिराकर चला जाता है। उसके बाद तियान अपनी शादी का जोड़ा ट्राई करता है और कहता है कि मेरे माँ की चॉइस एकदम बेस्ट है। तभी लीलैंड वहाँ पे रखे सारे सामान को देखने लगती है और उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है, लेकिन उस बुक में तो कुछ भी लिखा नहीं होता। फिर तियान की नजर उस बुक पर रखे ग्लास पर पड़ती है और वो उस वाइन की ग्लास को देखकर घबरा जाता है और उसे उस बुक पर से हटा देता है और लीलैंड से कहता है कि आइंदा से मेरी चीजों को हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछ लेना। दूसरी तरफ अम्मा वोंग को नीदरलैंड और धरती लोक का माध्यम बनने को कहती है, तो वोंग अम्मा की बात मान जाता है और कहता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ लीलैंड उस कुएं में अपनी फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी उधर से लैंग की एंट्री होती है और लीलैंड उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लैंग कहता है कि कुएं में देखकर ही बात करो, अगर तुम्हारी भूतिया दासी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लैंग कहता है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो और उस तियान से शादी कैसे कर सकती हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, तुम्हें लड़ना पड़ेगा तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। लैंग कहता है मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगा, उसके बदले तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी और हम दोनों मिलकर तियान को पकड़ लेंगे, बस मुझे ये पता चल जाए कि उस तियान ने जज को क्या रिश्वत दी है। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ भी अजीब लगा, तो वो उसे उस रेड बुक के बारे में बताती है कि वो उसके हाथ में उस बुक को देखकर घबरा गया था। उसके बाद एक दासी लीलैंड के कमरे के बाहर पहरा दे रही होती है, तभी लैंग वहाँ पर एक दासी बनकर आता है और वो कहती है कि उनके मालिक के शेरवानी में आग लग गई है, जिसे सुनकर वो दासी आग बुझाने जाती है। फिर लीलैंड इसी मौके का फायदा उठाकर तियान के रूम में जाती है और उस रेड बुक को खोजने की कोशिश करती है। वो पूरा रूम देख लेती है लेकिन उसे कहीं भी बुक नहीं मिलती, लेकिन तभी वहाँ पर दासी लीलैंड को ऐसा करते हुए देख लेती है। तो लीलैंड कहती है कि मैं इस महल की होने वाली मालकिन हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा यहाँ पे जीना मुश्किल कर दूंगी। उसके बाद वो लैंग को बताती है कि उसे तियान के कमरे से कुछ भी नहीं मिला। तो लैंग कहता है कि हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तभी लीलैंड कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो लैंग उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि लीलैंड बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो लैंग कहता है कि अभी के लिए तुम्हें तियान का भरोसा जीतना होगा और उससे अच्छे से बात करनी होगी ताकि वो तुम पर भरोसा कर सके। उसके बाद लीलैंड तियान के साथ डिनर करती है और तियान उसे ऐसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद लीलैंड उस खाने को खा ही रही होती है, तभी तियान सेब खाकर नीचे रखता है और वो सेब पूरी तरह से सड़ जाता है और उस खाने पर कीड़े भी चल रहे होते हैं। तो लीलैंड जैसे ही ये सब कुछ देखती है उसकी तो भूख ही मर जाती है। आगे वो दोनों मिलकर डांस करते हैं, उसे डांस करना नहीं आता तो तियान लीलैंड को डांस सिखाता है और इन दोनों का डांस काफी औसम होता है। अब तियान लीलैंड को किसी करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर दासी आ जाती है और वो तियान से कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। तो अब तियान का पीछा लीलैंड भी करती है और तियान उस बंदे से कह रहा होता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैंने जो वादा किया है आपसे मैं वो पूरा जरूर करूंगा। लीलैंड उस बंदे की शक्ल देखने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं देख पाती, लेकिन वो उस बंदे के जूते देख लेती है जो कि हरे कलर की होती है। उसके बाद लीलैंड के पिता और बाई दोनों उसी जुए के अड्डे पर जाते हैं लीलैंड के बारे में पता लगाने के लिए। यहाँ इन लोगों को यान भी मिलती है जो उन्हें टोंट मारकर चली जाती है। अब यहाँ तो इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और बाई कहता है कि हमने यहाँ की जांच तो कर ली लेकिन गली की जांच नहीं की है। उसके बाद लीलैंड लैंग को सारी बातें बताती है और दोनों मिलकर वहाँ उसे ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को वहाँ बातें करते हुए एक दासी देख लेती है और वो दोनों उससे छुपते रहते हैं, वो उन्हें हर जगह ढूंढती है। तो उस दासी
को लगता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे उन्हें एक खुफिया रास्ता मिल जाता है और दोनों मिलकर उस तहखाने में जाते हैं। दूसरी तरफ अमा उस जादूगरनी से तंत्र मंत्र करवाती है ताकि लीलैंड की आत्मा उसकी बॉडी में वापस आ जाए। उसके बाद लीलैंड को वो लाल किताब मिल जाती है और तभी वहाँ पर से एक ज़ॉम्बी जैसा इंसान उन पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी लैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से लीलैंड उस पर वार कर देती है और लैंग भी उस पर चाकू से वार करता है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। तभी वहाँ तहखाने में कोई आ रहा होता है और वो दोनों उस लाश को ठिकाने लगाकर वहीं पे छुप जाते हैं। और तभी वो राक्षस जैसा इंसान आकर वो किताब को लेकर चला जाता है और लैंग कहता है कि लानत है कि हम इस सबूत तक पहुंचने के बाद भी उसे नहीं ले पाए। लेकिन ली लैंग उसे वही बुक दिखाती है और लैंग उसके पास वो बुक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम सच में बहुत शातिर हो। और आगे वो लोग उस बुक की छानबीन करते हैं लेकिन उन लोगों को कोई सबूत नहीं मिलता। और तभी ली लैंग को याद आता है कि तियान इस बुक को पानी से बचाकर रखता था और जैसे ही वो लोग बुक को पानी में डालते हैं वो बुक एक ब्लैक मोती बन जाती है। लैंग कहता है कि ये मोती बहुत कीमती है, इसका मतलब तियान इसी मोती के सहारे उन लोगों को घूस देता है। अब वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी ली लैंग को वोंग की आत्मा दिखती है। वोंग उसे बताता है कि तुम्हारे लिए धरती लोक का दरवाजा कुछ क्षणों के लिए खुला है। उसके बाद कुछ देर बाद वोंग को होश आता है और वो अमा को बताता है कि उसने ये संदेशा ली लैंग को पहुँचा दिया है। अमा ये सुनकर खुश तो होती है लेकिन उन्हें डर भी लगता है कि अगर वो लोग वहाँ से नहीं निकल पाए तो क्या होगा। अब वो दोनों जल्दी से गेट पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी आत्मा उन दोनों का रास्ता रोके हुए होती है। तो लैंग उससे कहता है कि तुम जल्दी से दरवाजे के बाहर जाओ, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। पर वो भूत लैंग पर ही हावी हो जाते हैं और वो उनसे लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। तो ली लैंग उसकी ऐसी हालत नहीं देख पाती और वो उन भूतों से लड़ने लगती है। वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है तो वो भूत ली लैंग पर भी हावी हो जाते हैं लेकिन सही टाइम पर लैंग आकर उसे बचा लेता है। और इन्हीं सब चक्करों में धरती लोक का दरवाजा बंद हो जाता है। ली लैंग ये देखकर सैड हो जाती है तो लैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब लैंग कहता है कि पहले तो हमें महल जाना होगा और तियान के कारनामों पर नजर रखनी होगी। वो लोग महल की ओर जा रहे होते हैं तभी एक औरत उन दोनों को पीछे से देख रही होती है और वो ली लैंग का नाम लेती है। ली लैंग लैंग को अंदर लेकर जाती है और उसका इलाज करती है जिससे वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसके हाथों में ये चमत्कार देखकर लैंग उससे धन्यवाद बोलता है। उसके बाद लैंग ली लैंग का हाथ देखता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हमें जो करना है वो जल्दी करना होगा। अब बाई और ली लैंग के पिता उस गली में भी छानबीन करते हैं लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा और छानबीन करने लगते हैं तो उसके पिता को वही रुमाल मिलता है जिससे उसको बेहोश किया गया था। उसके बाद जब तिहान सो रहा होता है तभी वो राक्षस उसके पास आता है और कहता है कि तुमने इस महीने की रिश्वत मुझे काफी कम दी है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो तिहान कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो राक्षस तिहान पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है और तिहान उस राक्षस के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और उससे एक और मौका मांगता है। उसके बाद तिहान उस पेपर पर उस राक्षस से माफी मांगता है और कहता है कि थैंक्स, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और वो लेटर उसके बाद गायब हो जाते हैं और ये सारी चीजें लैंग देख लेता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि तिहान कैसे उस राक्षस से बात करता है। अब अमा उस रुमाल को देखकर बताती है कि ये रुमाल लिम परिवार के नौकरों का है क्योंकि मैंने वहां इसे यूज करते हुए उन्हें देखा था। उसके बाद तिहान लीलैंड को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम दिन भर कहां थी, मुझे तो कहीं दिखी नहीं। और अगर तुम महल से बाहर जाना चाहती हो तो मेरी दासी को अपने साथ लेकर जा सकती हो, बाहर के राक्षस तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तभी वहाँ पे दो लोग एक राक्षस को लेकर आते हैं और तिहान कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, अभी से इसकी सजा मिलेगी ही। वो उसको सजा देने ही वाला होता है तभी लीलैंड उसे रोक देती है और कहती है कि क्या तुम इस राक्षस पर भी दया नहीं करोगे। तो तिहान कहता है कि जब मैं और बाई छोटे थे तो हम शतरंज खेला करते थे जिसमें मैं हमेशा जीतता था और बाई हमेशा हारता था, जिसके बाद वो दुखी हो जाता था। फिर एक दिन उसको ऐसे देखकर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं बाई को जीतने दूंगा और जब वो जीत गया तो मेरे पिता ने मुझे डांटा कि बाई तो प्रोग्रेस कर ही रहा है लेकिन तुम तो वहीं के वहीं हो। उसके बाद से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी पर दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर किसी के साथ अच्छा भी करो तो उसके बदले में हमें सिर्फ गालियां और ताने ही मिलते हैं। और वो लीलैंड के सामने उस राक्षस के दो टुकड़े कर देता है। उसके बाद लिम तियान के लिए वो सारी लाल किताब चलाती है जिसकी जरूरत तियान को होती है। उसके बाद आगे लीलैंड लैंग को तियान की हरकतें बताती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तियान मुझे धमकी दे रहा है, अगर मैंने उससे धोखा दिया तो वो भी मेरा ऐसा ही हाल करेगा। तो लैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे एक रास्ता मिल गया है उस जज को पकड़ने का। मैंने तियान को ऐसा करते हुए देखा था, वो एक पेपर के जरिए उन लोगों से बात करता है और हम लोग उन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को बुलाएंगे जो तिहान के साथ मिले हुए हैं। उसके बाद जब ली लैंग अपने कमरे में आती है तो एक दासी कहती है कि आपके कमरे में कोई आपका इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो अंदर
अंदर जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, और वो दासी के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो अपनी माँ को नहीं पहचानती, और लीलैन की माँ भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाती है। उसके बाद लीलैन अपनी माँ से गले लगती है और मिलकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है, वैसे आप बताओ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तो सोचा था कि आप स्वर्ग गई होंगी और आपका पुनर्जन्म भी हो गया होगा। तब उसकी माँ कहती है कि मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने स्वर्ग जाने के बजाय नीदरलैंड में रहना जरूरी समझा ताकि मैं तुम लोगों के पास रह सकूं। उसके बाद लीलैन अपनी माँ को पूरी की पूरी स्टोरी बताती है जो भी उसके साथ हुआ था, और तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है। उसकी माँ से वो बताती है कि ये लैंग है और इसने यहाँ पर मेरी बहुत मदद की है, और यहाँ पर उसकी माँ को गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद तिहान कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है और लीलैन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके कमरे में जाती है और उस पेपर के जरिए उस राक्षस को मैसेज भेजती है कि वो उनसे स्टोर रूम में मिलना चाहती है। उसके बाद तियान अपने रूम में आ जाता है और लीलैन को वहाँ पे देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज रात पार्टी में मैं क्या पहनूं, इसलिए मैं तुमसे हेल्प लेने आई थी। तो फिर वो अपने मन पसंद के कपड़े उसको दिखाता है और कहता है कि तुम इन कपड़ों में काफी अच्छी लगोगी। उसके बाद वो उससे फ्लर्ट करने लगता है और लैंग और लीलैन की माँ ये सब देख रहे होते हैं, और लैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तिहान लीलैन के साथ फ्लर्ट करे। दूसरी तरफ बाय और लीलैन के पिता मिलकर सारे नौकरों से पूछताछ करते हैं कि वो रुमाल किसका है, और उन नौकरों में से एक भी नौकर अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद बाय सभी नौकरों के रूम की तलाशी लेने लगता है, तो उन सब में से एक नौकरानी काफी डरी हुई होती है जैसे कि उसने ही कुछ किया हो, और वो वहाँ से निकल कर अपने रूम में जाती है और कुछ छुपाने लगती है, और तभी वहाँ पर बाय आकर उसे पकड़ लेता है। अब बाय को यहाँ पे सारे सबूत मिल जाते हैं और उसको यकीन हो जाता है कि ये काम इसी नौकरानी ने किया है, और इसी के रूम से वो चाय पत्ती भी मिलती है और वो नशीली दवाई भी। फिर वो नौकरानी रोने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सारा सामान मेरे कमरे में कैसे आया। मैंने तिहान को नहीं मारा, हाँ मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि वो हमें बहुत सताया करता था, टॉर्चर किया करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। और वो नौकरानी चिल्लाती रह जाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता है। और ये सब इसाबेल देख रही होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो भी डरी हुई है, जैसे उसने भी कुछ किया हो। उसके बाद लैंग लीलैन को अकेले तिहान के कमरे में जाने के लिए बहुत सुनाता है। उसके बाद लीलैन की माँ उसको तैयार करती है और लीलैन यहाँ पर लैंग के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने उसे इतना क्यों डांटा। तो उसकी माँ बताती है कि लैंग तुम्हारी परवाह करता है और वो चाहता है कि तुम सारी मुसीबतों से दूर रहो। उसके बाद तिहान के साथ लीलैन पार्टी में जाती है और उस पार्टी में सारे लोग अपने मुंह पर मास्क लगाए होते हैं, जिसकी वजह से लीलैन किसी का भी चेहरा नहीं देख पाती, और उस पार्टी में वही लैंग भी होता है। और तिहान लीलैन का इंट्रोडक्शन अपनी पार्टी में सबसे करवाता है और वो उसको सबके सामने किस कर लेता है, और लैंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद लीलैन के पिता और अमां घर आते हैं तो वो देखते हैं कि वोंग की मौत हो चुकी है और वो उसे ऐसे देखकर बहुत दुखी होते हैं। फिर लीलैन और लैंग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लीलैन की नजर उसी बंदे पर पड़ती है जिसने हरे जूते पहने हुए थे, और उसे देखकर लैंग उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद लैंग उस बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर स्वर्ग में रिपोर्ट करूंगा। और तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो लैंग को पीछे से मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि तुम जज हो, मतलब एक लड़की जज है। उसके बाद वो लोग लैंग को बंदी बना लेते हैं और फिर तिहान लीलैन के साथ वहाँ पर आता है और कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे चाल में फंस ही गए, और वो लीलैन से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो लीलैन यहाँ पे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, और तिहान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो फिर से उससे सवाल पूछने ही वाला होता है तो लैंग लीलैन को बचाने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने क्रूर नहीं हो, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। तो तिहान को लैंग पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे एक पंच मारता है और तिहान लीलैन को यहाँ से भेज देता है। उसे लैंग के लिए बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ यहाँ पर कर भी तो नहीं सकती थी। उसके बाद तिहान लैंग को बहुत मारता है। फिर लीलैन देखती है कि लैंग के रूम के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है और वो इसी मौके का फायदा उठाकर लैंग को छुड़ाने जाती है। तो लैंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और वो लीलैन को तिहान के पास से कछुए वाला बेल्ट लाकर देने के लिए कहता है। उसके बाद तभी वहाँ से तिहान और बाकी सब आ जाते हैं और वो लीलैन से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे झूठ बोलने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी सजा तो अब तुम्हें जरूर मिलेगी। उसके बाद तियान की माँ लिम और यान में बातें चल रही होती हैं, जहाँ पर यान उसे काफी समझाती है और लिम को भी ये एहसास होता है कि उसने बचपन से लेकर अब तक तियान का साथ दिया,
उसके गलत कामों में जो कि गलत था उसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो अब यान को भी अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर ही लेती है काफी सालों के बाद, और वो ये फैसला करती है कि वो अब तिहान का उसके गलत कामों में साथ बिल्कुल नहीं देगी। तिहान को लीलैंड पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और लीलैंड कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तिहान गुस्से में उसे धक्का दे देता है और लैंग को बहुत मारता है। उसके बाद लीलैंड तिहान से लैंग की जान की भीख मांगती है और कहती है कि प्लीज तुम उसे छोड़ दो, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। यान कहता है कि तुम जितना इसे बचाना चाहती हो मैं उतना ही इसे मारना चाहता हूँ। वो लड़की ऑफिसर कहती है कि जल्दी से इसे मारो और इसका काम खत्म करो। लीलैंड की माँ ये सब देख लेती है और उन्हें बचाने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और वो पार्टी में मास्क लगाकर चली जाती है ताकि किसी से हेल्प मांग सके। तभी वो दो दासियों की बातें सुन लेती है कि खाना बहुत बच गया है, उसको संभाल कर बाहर फेंकना क्योंकि अगर भूतों ने मीट देख लिया तो वो बवाल मचा देंगे और महल के अंदर घुस जाएंगे। अब लीलैंड की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारा मीट ले जाकर बाहर फेंक देती है। इससे सारे भूत मीट को देखकर महल के अंदर घुस जाते हैं और मेहमानों को परेशान करने लगते हैं। अब यहाँ लैंग को मारने ही वाला होता है कि तभी दासी आकर बताती है कि सारे भूत महल के अंदर घुस गए हैं। अब तिहान वहाँ जाकर देखता है कि वो सारे भूत उसके मेहमानों को तंग कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। अब वो दासियों को ऑर्डर देता है कि और गार्ड्स मंगवाओ और इन सबको यहाँ से निकलवाओ। उसके बाद लीलैंड और लैंग एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। लैंग कहता है कि अगर तुम बाहर रहती तो कुछ न कुछ जरूर कर पाती, लेकिन तुम भी यहाँ पर आके फंस गई। वो एक दूसरे को ही चिल्लाने लग जाते हैं और तभी वहाँ से एक राक्षस आकर उन दोनों पर हमला करता है। अब वहाँ पर लीलैंड की माँ आ जाती है और वो उसको चाकू से स्टैब कर देती है। वो राक्षस लीलैंड की माँ के पीछे जाता है तो लीलैंड इसी मौके का फायदा उठाकर उस राक्षस को मार देती है। उसके बाद उन्हें रास्ते में एक दासी भी दिखती है जिसे लीलैंड मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद तिहान वहाँ जाकर देखता है कि वो सब वहाँ से भाग चुके हैं। तो वो लेडी बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस आदमी को मार दो। अब वो लोग एक सुरक्षित जगह पर जा ही रहे होते हैं तभी सामने से तिहान आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। लैंग लीलैंड से कहता है कि मेरा कछुआ तिहान के पास है इसलिए मैं जा रहा हूँ तिहान से लड़ने के लिए। इस बार लैंग तिहान को खूब मारता है और मार मार के उसका कछुमर बना देता है। लैंग तिहान को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी राक्षस आकर लैंग को उठाकर पटक देता है। अब लीलैंड से लैंग की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो भी जाकर तिहान से लड़ने लगती है और इसी लड़ाई में वो कछुआ तिहान से ले लेती है। वो कछुआ वो लैंग को दे देती है और तिहान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तिहान उसे मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में लीलैंड की माँ आ जाती है और उनको चोट लग जाती है। इसके बाद बाई और ईसाबेल लीलैंड के पिता के पास आते हैं, उनसे बातें करते हैं और लीलैंड के पिता कहते हैं कि अगर हमें उस गली में वो कपड़ा नहीं मिला होता तो हमें इन सब के पीछे कौन है इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। तो ईसाबेल कहती है कि आपको उस गली में वो कपड़ा मिला, वहाँ पर एक पागल रहा करता था जो हमेशा बिना कपड़ों के घूमा करता था और लोगों को खूब परेशान किया करता था। तो बाई और लीलैंड के पिता ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। बाई कहता है कि मैंने तो तुम्हें उस पागल के बारे में बताया ही नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता। वेल यहाँ पे फाइनली सबको ये बात पता चल जाती है कि ईसाबेल की वजह से ही लीलैंड की ये हालत हुई है। बाई ईसाबेल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो कहती है कि लीलैंड तियान के कातिल को ढूंढ रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करे। तो बाई कहता है कि क्या तियान को तुमने मारा था, आखिरकार तियान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुमने उसे मार दिया। तो ईसाबेल कहती है कि तियान मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। एक साल पहले हांगकांग में तुम बहुत बिजी थे, काम की वजह से मुझे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उस टाइम हांगकांग में तियान आया था और उस वक्त तियान ने मुझे सहारा दिया था। तुम गलत मत समझना, मैंने ये सब कोई जानबूझकर नहीं किया था और तियान ने उसे मेरी कमजोरी समझ ली और मुझे इसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था उसे मारने के सिवा। भाई कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम्हारी वजह से दो फैमिलीज को कितना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। ईसाबेल ये सुनकर रोने लगती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसके बाद लैंग उस कछुए के जरिए से जर्नल को नीदरलैंड बुलाता है और वो आकर उस जज को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से नीदरलैंड में तिहान इतनी अच्छी लाइफ जी रहा होता है। उसके बाद जर्नल के सारे सिपाही सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं और उन सबको नर्क लेकर जाते हैं और जनरल लैंग से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अब तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा। अब वो जनरल कहती है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं लीलैंड को धरती लोक पर भेजूंगी और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लीलैंड को धरती लोक पर भेजा जा सके और मैं स्वर्ग के कोई भी नियम नहीं तोड़ सकती। तो लैंग जनरल से भीख मांगने लगता है कि बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए।
दूसरी तरफ लीलैंड की माँ मरने वाली होती है और लीलैंड बहुत रोती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम इतना क्यों रो रही हो, मैं जिंदा थोड़ी ना हूँ, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, बस अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना और अपने पापा का भी। और अब उसकी माँ को मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग चली जाती है। उसके बाद लीलैंड को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। अब लीलैंड को वही सपना आता है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। लीलैंड को वही जड़े जकड़ लेती है जिससे वो खुद को नहीं छुड़वा पाती। दूसरी तरफ इजाबेल को पुलिस पकड़ कर लेके चली जाती है। अब लैंग लीलैंड की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। और अब अमा और लीलैंड के पिता चाय पी रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि लीलैंड को होश आ जाता है और सभी उसको ठीक होता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और फाइनली वो धरती लोक पर आ जाती है। उसके बाद अमा, लीलैंड और उसके पिता वोंग को श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर जाते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात मैडम लिम से होती है और लिम कहती है कि मुझे लीलैंड को वापस से देखकर बहुत खुशी हुई। अब आगे ही ऐसे कुछ दिन बीतते जाते हैं और लीलैंड लैंग को बहुत मिस करती है क्योंकि वो उसके बाद उससे कभी मिलने ही नहीं आया। फिर बाई लीलैंड को प्रपोज कर देता है और वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद लीलैंड और बाई साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन वो बाई के साथ रहकर भी उसके साथ नहीं होती क्योंकि उसकी लाइफ में हमेशा कुछ कमी रहती है। अब लीलैंड लैंग के दिए हुए फूलों को देख रही होती है और उस फूल को अपने हाथ में लेकर सोचती है। जैसे ही लीलैंड लैंग के बारे में सोच रही होती है, लैंग वहाँ पर प्रकट हो जाता है। लैंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, जब भी तुम इस फूल को प्यार से छुओगी और मेरे बारे में सोचोगी, मैं यहाँ तुरंत ही प्रकट हो जाऊंगा। अब झूठ मत बोलना, तुमने मेरे बारे में सोचा तभी तो मैं यहाँ पर आया ना, और वैसे तुम्हारी शादी हो रही है, तुम इतना सैड क्यों हो। लैंग कहता है कि मैं उस दिन तुमसे मिलने आया था जिस दिन बाई ने तुम्हें प्रपोज किया, और मैंने तुम्हें बाई के साथ इतना खुश देखा तो मैं वहाँ से चला गया। तो लीलैंड कहती है कि तुम भी तो मजे कर रहे होगे ना स्वर्ग में, तुम्हें तो अप्सराएं अपने हाथों से खाना खिला रही होंगी, है ना। वो कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था कि मैं धरती लोक पर वापस कैसे आई। उसके बाद लीलैंड को पता चलता है कि लैंग ने उसे धरती लोक पर वापस लाने के लिए अपने 500 साल की सारी मेहनतों को जनरल को सौंप दिया और इस वजह से उसे प्रमोशन भी नहीं मिला और लैंग फिर से 500 साल पीछे चला गया, जहां पर उसे फिर से अपने पॉइंट्स बनाने होंगे प्रमोशन के लिए। लीलैंड उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा 500 साल से ये सपना था और तुमने मेरे लिए उसे छोड़ दिया। लैंग उससे कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो और धरती लोक पर अपनी लाइफ हंसी खुशी से जियो, और ये सब कहकर लैंग उसे वहां से चला जाता है। उसके बाद लीलैंड के पिता उसे समझाते हैं कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो आप उसके साथ ही रहना चाहते हो और उसकी हंसी से ही खुश होते हो और उसके दुख पर रोते हो, और इसे ही प्यार कहते हैं, और अगर तुम इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो लीलैंड को अपने पिता की बातें सुनकर लैंग का ही ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि वो लैंग से प्यार करती है ना कि बाई से। उसके बाद अगले दिन लीलैंड घर छोड़कर चली जाती है और सबको एक एक लेटर लिखती है। वो सबको बताती है कि वो अभी शादी करना नहीं चाहती और वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है जैसा कि उसकी माँ का सपना था, और वो इस सपने को पूरा करने जा रही है। वो पूरी दुनिया घूमने जा रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने जा रही है, और कोई भी मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और उसके बाद लीलैंड के पिता अपनी बेटी के बारे में सोचकर अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं और उनका बिजनेस फिर से अच्छा चलने लगता है। उसके बाद भाई भी अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए हांगकांग चला जाता है। लीलैंड डिसाइड करती है कि वो लैंग के साथ मिलकर पूरी दुनिया घूमेंगी, और तभी वहाँ पर लैंग आ जाता है और लैंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे इतने प्यार से मत बुलाया करो, तुम्हारे इसी प्यार की वजह से मुझे हर जगह हर बार आ जाना पड़ता है। लीलैंड कहती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारे साथ काम करने का, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। लैंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, मैं जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। लीलैंड ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसको थैंक यू बोलती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लैंग अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ में भी वही निशान होता है जो कि लीलैंड के हाथ में था, और इसे देखकर लगता है कि अब लैंग के पास भी बहुत ही कम टाइम बचा है, और वो ये बात लीलैंड को नहीं बताता और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।